हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज भी हम जा रहे हैं रिवर मंदिर। रिवर मंदिर बहुत आज भी हम घूमने जा रहे हैं गाइस। और आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं, कल भी हम ऐसी जगह गए थे जहाँ पे हमने भी और हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं देखी थी। और आज भी हम वो जगह जा रहे हैं जहाँ पहली बार जा रहे हैं, जिसने जहाँ किसी ने देखी नहीं है, जो किसी ने देखी नहीं है। क्या हो गया वो मेरी हिंदी को, जो जगह किसी ने देखी नहीं है। तो अभी हमने पता करा है, तो लेट्स सी। एंड आई विश कि आज हम इंजॉय कर सके। कल तो ऐसे लगा था सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं। तो वी ऑल आर रेडी। आर यू गर्ल्स आर रेडी? रेडी या फ़ोन पे इतने बिजी हैं बच्चे आजकल के। एंड इसको देखो रेडी होके कैसे बैठी, क्योंकि शी इज़ फ्री टूडे, क्योंकि आदि नहीं जा रहा है। एंड सो गया ना वो तो। एंड बाकी बाद में दिखाती हूँ। अब हम जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया आज। बच्चे भी रेडी हैं, ये लोग तो एक्स्ट्रा कपड़े भी ले जा रहे हैं नहा के। बच्चे तो नहीं लेंगे, हमारा तो पता नहीं है वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट है। पर चलो फिलहाल चलते हैं। मेरे ढोल जुदाइयां भी तेरे खबर की मैं हूं वे आशा वे दिल तेरा पूरा बिना। हमने शिफ्ट कर लिया गाड़ी से बाइक पे आ रहे हैं और हम रिस्क लेके जा रहे हैं। इतने नीचे हमको जाना, कच्चा रास्ता है वो, नीचे जाना है वो नीचे। तो गाइस वी आर रीच्ड अपनी डेस्टिनेशन पे, लोकेशन पर। और मेरे पीछे है रिवर, ग्रीन ग्रीन सी। और ये देखो बहुत तेज धूप है, इसलिए अपना फेस ऐसे हम कवर करके आए थे क्योंकि हम मैंने चेंज कर लिया था, मैं बाइक में आई थी बाद में। और ये स्कूटर बुरा हाल हो गया हमारा, काले हो जाएंगे, टैन हो जाएगी। ठीक है, टैनिंग तो हट जाएगी, ये बहुत तगड़ी टैनिंग होने वाली है हमारे फेस। गाइस मंदिर में क्लियरली लिखा हुआ था कि फोटोज क्लिक करना, वीडियो कैमरा ये सब अलाउड नहीं है, तो हमने शूट नहीं किया। अब हम एक वहाँ पे बाबा जी बैठते हैं, वहाँ पे भी जा रहे हैं। अगर वहाँ भी अलाउड नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन जब हम नदी में जाएंगे या जो भी जाएगा तब आई विल रिकॉर्ड। ओके, देखो वहाँ डिस्कशन चल रहा है कपड़ों से रिलेटेड। ये पिताश्री, ये बच्चे, और ये इधर से आ रहे हैं। सबको पानी में जाने की इतनी एक्साइटमेंट है। देखिए यहाँ से रास्ता इस तरह का है, कुछ जाने का छोटा सा पुल है, बट बच्चे थोड़ा सा ऑब्वियसली डर रहे हैं। देख के नीचे है, ब्लू कलर अच्छा आता है ना। हमने चेंज कर लिया है और इतनी डिफिकल्टी आई है हमें चेंज करने में। सेटअप लगाया पर थोड़ा सा ट्रांजिट था वो सेटअप, बट वी मैनेज्ड एनी हाउ वी मैनेज। और ये देखो बच्चे डोंट शाउट, ये बहुत तेज बोलते हैं यार बच्चे। और पापा लोग भैया लोग उधर एंजॉय कर रहे हैं। मैं पहले जाऊंगी। जी तुमने सारा पानी गंदा कर दिया गर्ल्स, गाइस मुझे तो बहुत डर लगता है पानी। मुझे ज्यादा पीछे तो मैं कैसे मजे कर लूं? मेरा पत्थर टुकड़ा पानी कैसे है ये, मैं तो इनसे दूर ही जाती हूँ। पागल है ये लोग, ये डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। हमने पीना भी चेंजिंग का थोड़ा सा इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी करना है। एक्चुअली क्या है, मुझे डर ये है कि चेंज कहाँ करेंगे। ये तो देखो कितना एंजॉय कर रही है पानी से। अब तो खैर मैं भी आधा ज्यादा भीग चुकी हूँ। We are enjoying. ओ भाई मेरे पैर में मच्छर, गिन्नू डरना जरूरी है। नहीं और पता ही नहीं एक बार बताओ, वैसे तक गर्म पानी है वो क्या कह रही है, आराम से कुहू का एंजॉयमेंट दिखा देती, कैसे एंजॉय कर रही है। हम सब एंजॉय कर रहे हैं, पर ठंड लग रही है गाइस, पानी से बाहर आते ठंड लग रही है पानी से। चल रही है गाइस, मैं तो बाहर आ गई हूँ लेकिन इन लोगों का मन नहीं भर रहा। और ट्रस्ट मी बाहर निकलते ही इतनी ठंड लग रही है पापा, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, धूप चली गई है और दे आर स्टिल एंजॉयिंग।
और ये पत्थर इकट्ठा इकट्ठा कर करके यहाँ रख रहे पता नहीं क्यों। उनकी हालत देखो कैसी हो गई है, बात नहाने की कर रहे थे भाई, बहुत ठंडा हो गया पानी, वेदर बिल्कुल चेंज हो गया। मैं तो टाइम से निकल गई, मेरे आधे से ज्यादा कपड़े सूख भी गए, ये देख रहे हो सबकी आवाजें। अब हम कैसे चेंज करेंगे यार, वी डोंट नो बट वी हैव टू मैनेज। तो हमारे दर्शन भी हो गए हैं और हमने थोड़ी सी पेट पूजा भी कर ली है, यहाँ पे खिचड़ी बनी थी प्रसाद के रूप में, तो हमने वो भी ग्रहण कर लिया आश्रम में। तो अभी देखो कुछ गाड़ी से जाएंगे, कुछ स्कूटी से, कुछ बाइक से, आई एम गोना सिट ऑन बाइक। घुस जाओ जैसे मैं बंदे ऊपर तक एडजस्ट हो जाओ, जैसे पीहू और आरू के बंदे जो हैं वो पीछे डिग्गी में एडजस्ट हो सकते हैं, तो पीछे घुस जाओ। अरे अभी खाली ना, ऊपर चलने तक एडजस्ट हो जाओ, बस डिग्गी में घुस जाओ, दो जने आरू और गिन्ना घुस जाओ, तुम दोनों डिग्गी में घुस जाओ, यहाँ से घुसना पड़ेगा, यहाँ से घुसना पड़ेगा। आरू यू कम विद मी, यहाँ से घुस जाओ, अभी तो वॉक करना पड़ेगा ना। घर पहुंच चुके हैं, नहाते हुए तो अच्छा ही लग रहा ना, आप नहाते हो? डुबकी मार दी क्या? मारती हो गाइस, हम मम्मी को हम नहीं देखे गए, तो मम्मी कह रही थी पहन के जाऊंगा, शॉर्ट रखा था और क्या। हमने पूछा तक भी नहीं क्योंकि मम्मी ने हमें मना कर दिया था, कल ही बोल दिया था, पर मम्मी का मन था, आज पता चल रहा है कि मैंने सूट भी डिसाइड कर लिया था जाने के लिए, कह रही है पूछा कि वहाँ चले जाओ ना शिव जी अपना, वहाँ वहाँ भी तो पानी है, शिव जी मंदिर शिवालय में नहा के उधर वाली गाड़ी में जाना, वहाँ तो गहरा है, इधर वाले में तो चेंज हो गया है। और यार ये टीवी देख रहे थे, इनका टीवी बंद करने आई हूँ मैं, आए हैं वहाँ से, आए हैं थक के आए हैं, लेकिन इनको देखो क्या चल रहा है, इज देयर फाइटिंग। अरे ये तो मिट्टी है ना, हल्का सा ऐसे करो उड़ जाती है, व्हाट हैपेंड, उड़ जा फिर, ले जा उड़, नहीं पंखे मत ले आयशा, ओए वहां देख आग लग गई आयशा, सामने ये पता है सामने देख आग लग गई, यो आग लगी, क्या हुआ गिनू, क्यों चढ़ा रहे हैं सब आपको, पागल है सभी तो चढ़ा रहे हैं, ज्यादा मत बोल, छुई को बोला, हाँ तो उसे भी मत बोल, इनको बोला तो उसे भी मत बोल, मासी है वो, मासी को बोल रही हूँ, तू वो चुप रह, और गंदी शक्ल बना ले, हाँ ठीक है, मेरा देखकर बोल रही हूँ तो मेरे को ही बोलेगी ना, छुई मुई के सारे पत्ते गिर जाएंगे, टच मी नॉट प्लांट के सारे पत्ते गिर जाएंगे, इसलिए हम उसे लड़ क्यों रहे हो, यही है पौधिया लग गई तेरे को, हाँ क्या बोला है ना, धीरे बोल तभी हम बोलेंगे, तुम लड़ते हो तुम्हारी हरकत है तो पता चलना, इसने बॉटल फेंक के इसको मारी तो ये गई उधर, पहले इसने मुझे कैप मारी, क्या मैंने इसे बोला कि फिर मैंने फिर मैंने इसे बोला अरे आरू मत जाना मत जा, ये मारने जा रही थी, अरे मैंने बोला अरे आरू अभी जो हाँ, फिर मैंने बोला अरे मत जा आरू बच्ची है अभी रो जाएगी, चुई हुई है, बीच में जरूरी बोलना होता तुम्हें हमेशा, अरे क्योंकि ये भी मेरे को बोलने में लगी थी ना, पंगे यही ले रही थी, और तूने सबको बोला, इसमें कोई बोल रही थी ये, अच्छा कि तू एक्सेप्ट करना सीख ले, तूने सबको नहीं सीखूंगी, मतलब मैं सिर्फ कांट एडजस्ट यू, सो नेक्स्ट टाइम डोंट कम, ओके Don't come, yes. गाइस ये देखो मैं यहाँ पे वेजिटेरियन बनती जा रही हूँ, और इनको देखो ये क्या क्या है, व्हाट इज दिस पापा, क्या है ये, और कच्चा क्या खा रहे हो आप, ओहो मटन बन रहा है गाइस आज हमारे घर, फ्रेश, हु टोल्ड यू फ्रेश है, बस मटन पहाड़ी बकरा भून के, गाइस मैं वेजिटेरियन बन रही हूँ, मैंने ऑमलेट भी ऑलमोस्ट मतलब मैंने चिकन मटन तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और अब तो मैंने अंडा भी छोड़ दिया, बिकॉज मुझे अंडा भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ऑमलेट अच्छा लगता था, ब्रेड ऑमलेट सिर्फ, मैं अंडे का ना सब्जी खा सकती हूँ, ना ही किसी और वैरायटी में बॉयल वाला या ऐसा भी खा सकती हूँ, सिर्फ ऑमलेट खाती थी, पर वो भी छोड़ दिया, बिकॉज वो भी छोड़ दिया, मैं वेजिटेरियन बन गई,
बिग हिट फॉर मी। गाइस इसको बताने क्या हो गई, रोने में ही लगी हुई है, जब से आई रोए जा रही है। और बाकी बच्चे यहाँ पे कलाकारी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और टाइम हो गया है डिनर का, खा पी के सोते हैं, थके हैं सब आज भी। यहाँ पे रोटी बना रहे हैं गाइस, ये लोग मटन खा रहे हैं। और एज आई टोल्ड यू, मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए राइस फ्राई कर लिए हैं, इसके साथ अचार, टमाटर और हरी मिर्च का फ्राई किया है मसाले डाल के। और अब हम इसमें ये ले लेंगे क्या, मिर्ची का अचार, तब अच्छा लगेगा। ओके गाइस, हमारा डिनर हो गया है और अब हम सोने जा रहे हैं। ब्रश व्रश कर लिया, कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अब बच्चे, छोटे बच्चे सो गया है, बाकी को सुलाना है। तो यस, दैट्स ऑल इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है जो हम घूमने जा रहे हैं। अगर आ रही है तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर कर, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना। बाय बाय।